नमस्कार, डीएनएच न्यूज लाइन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सिलवासा दमनगंगा नदी के किनारे दो दिन बाद आज मिली बॉडी। आपको बता दूं कि दादरा नगर हवेली सिलवासा दमनगंगा नदी में बने चेक डैम में 22 अगस्त को नहाने उतरे 18 वर्षीय अभिषेक पांडे नामक युवक पानी में बह गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर बचाव एवं राहत कर्मियों ने पहुँच कर ढूंढना शुरू कर दिया था, लेकिन युवक का कोई पता नहीं चल पा रहा था। दो दिन बीत जाने के बाद आज सिलवासा नक्षत्र बन के पास मुक्ति धाम के पीछे दमनगंगा नदी के किनारे बॉडी मिली है। बॉडी मिलने के बाद उनके परिवार वालों को जानकारी दी गई, जिसके बाद उनके परिवार के लोग भी वहां पर पहुंचे। हर एक खबर हमने आप तक पहुंचाते रहेंगे, आप देखते रहिए डीएनएच न्यूज लाइन। अगर अभी तक आपने डीएनएच न्यूज लाइन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को दबा दें, ताकि दादरा नगर हवेली दमन दीप एवं आसपास के सभी खबरों से हमने आपको सबसे पहले रूबरू करवाता रहूं। धन्यवाद।